करिएगा, मैं भी इन्हें मेरी छोड़ दूंगा। अरे विजय माइक वाले भैया देखिए इसको भाई, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कब महाराज को उठाऊं या फिर कार्यस माइक को बनाऊं। विजय सांग, अरे इतना तेज गर्मी मेरे को हो गया, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा भैया, कोई आओ मदद के लिए यार भाई। अरे महाराज अब मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तो थक गया, एकदम से थक गया, और देखो पसीना टपटपाने लगा, एक तो मैं वैसे ही शरीर का मोटा, अरे महाराज को कहां से उठाऊं। अरे महाराज हमको मारते मारते महकमे को मार दिए, पकड़िए ऐसा थोड़ी होता है। अरे हमको मारो, पीपल दिखाई दे रहा है, पीपल का पत्ते समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ पत्र आया था, ओ खत आया था, खत किसको फोड़ा हुआ है जी? हे भगवान मैं क्या बताऊं इनको कि क्या आया था, ओ सफेद पे काला आया था। अरे लाओ प्रकाश करो, क्या प्रकाश करो, मैं थोड़ा कान कम सुनता हूँ क्योंकि छाछ ज्यादा खा लेता हूँ, तो क्या बोले महाराज? अरे भैया बाबू किसका प्रकाश नाम है, हमारे महाराज जी याद कर रहे हैं, आइए ना। अरे बाबा रे जरा करो, देखिए क्या है, हमारे शरीर में तो हड्डी है ही नहीं है, पूरा मांस ही मांस है, अगर हम मार देंगे तो मैं गया। अरे तो क्या बोले आप महाराज? भैया उजाला किसका नाम है, महाराज जी हमारे बुला रहे हैं, आइए ना जल्दी से। अरे माचिस लेके आओ, ऐसा बोलना चाहिए ना कि माचिस चाहिए, माचिस लाओ तुरंत। कोई बात नहीं भैया, घर में माचिस नहीं लगे हैं, घर में आग लगा दिए। माचिस कहाँ पा गए? ओ पड़ोस वाले से मांग लिए भाई। हाँ तुरंत ले आया, इसमें क्या करना होगा? हाँ तो इतना कम है क्या? अगर बूढ़ा राजा हो जाए तो वो चल जाए तो अच्छा,
मेरा हाथ जा गया। अरे आप भी मोटे मैं भी मोटा, कहीं रास्ते में पंचर हो गई तो गया काम सब होता, कोई दूसरा उपाय। करने से क्या मतलब है? तो महाराज मैं अब मोहर लगा देता हूं और आपको मालगाड़ी में बैठा देता हूं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है भैया, अरे हाथ गोड़ पतल पतल पेट जबर चंद, यानी